तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ सर्च का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है। जो अपडेट हुआ है नया सिक्योरिटी, उसमें ये बंद कर दिया है। तो अभी से हम डायरेक्ट कैसे यूट्यूब यहाँ ओपन करें या ब्राउज़र खोले, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ कोई भी सर्च का ऑप्शन जो आना चाहिए था वो इस अपडेट में बंद हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ से बैक कर देते हैं, पूरी तरह से बैक हो जाएंगे, मेन मेनू में आ जाएंगे और हम यहाँ USB कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ USB कनेक्ट कर दिया है और ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, सबसे पहले ये ड्राइवर ऑफिशियली है, इसलिए इसे इंस्टॉल करोगे तो ये कनेक्ट होगा टूल्स में। ठीक है, यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ध्यान रहे, जो पहले के वीडियो रहे कम से कम 15-20 दिन पहले, वो अभी यूज़ नहीं होंगे क्योंकि नई सिक्योरिटी अपडेट में वो सब बंद हो चुका है। सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसके हिसाब से हम बाईपास वीडियो यूट्यूब नहीं ओपन कर सकते या ब्राउज़र ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हम डायरेक्ट टूल से हम ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ
ड्राइवर ओपन होने के बाद सेम फर्मवेयर टूल को ओपन करेंगे। ये टूल एकदम फ्री है, नीचे वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ मैंने दे रखा है, आप उसे इजीली वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मेन मेनू को ओपन करना है, और हाँ एक चीज़ और, वाईफाई आपको कनेक्ट करना है, वाईफाई कनेक्शन ऑन रखिए, ठीक है। वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो बाईपास और यहाँ स्कैन करना है, ठीक है। यहाँ आपको एक MTBG की ये पोर्ट है T1 5G का, या MTP पोर्ट लिखा होगा वो भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम बाईपास पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ व्यू का ऑप्शन आप देख सकते हैं, हम व्यू कर देते हैं, ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ सर्च का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है, जो अपडेट हुआ है नया सिक्योरिटी उसमें बंद कर दिया है। तो अभी से हम डायरेक्ट कैसे भी यूट्यूब में आओ, तो हम यहाँ से देख, हम यहाँ मैंने 15-20 दिन पे जो ऑप्शन हम बटन कर फ्री कीजिए और यहाँ स्कैन करना है, ठीक है।
या आपको एक एमटीवी जिसके यहाँ से हम बाईपास करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आपने देखा होगा कि हमने रिसेट कर दिया है। रिसेट के बाद हमें फिर से एक बार YouTube ओपन करना है, तो फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ स्कैन करेंगे, पोर्ट सिलेक्ट करेंगे और बाईपास। ठीक है, यहाँ व्यू करेंगे वापस और वापस चलते हैं। सॉरी, हमने वाईफाई कनेक्ट नहीं किया था, तो वाईफाई पहले कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने रीसेट किया था इसलिए वाईफाई निकल गया था। अब दोबारा हम वाईफाई सेट कर देते हैं। ठीक है, वाईफाई सेट हो चुका है और हम फिर से एक बार यूएसबी निकाल देते हैं और फिर से कनेक्ट करते हैं और स्कैन करते हैं। ठीक है, व्यू।